नमस्कार दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री राम। आज के इस टॉपिक पे हम देखेंगे पूर्व दिशा और उसके महत्व के बारे में। दोस्तों, पूर्व दिशा बहुत शक्तिशाली दिशा मानी जाती है। इसके स्वामी भगवान इंद्र है, जो संपन्नता, उत्साह और शक्ति के देवता है। इंद्रदेव बहुत चतुर योजनाकार भी है। भगवान सूर्य इस दिशा के प्रतिनिधि ग्रह है, जो अपने आप में इतने शक्तिशाली है कि कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जीवन भगवान सूर्य के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा भी मानी जाती है, जो हमारे जीवन में समृद्धि और परिपूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण, शोषण और ऊर्जा का संचार करते हैं। उत्तर दिशा की तरह पूर्व दिशा को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना चाहिए। पूर्व दिशा को उजाला और स्वच्छ रखना चाहिए। इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ होनी चाहिए, ताकि घर में वेंटिलेशन की कमी ना हो। अगर ऐसा ना हो तो वहाँ रहने वालों के जीवन में ठहराव की स्थिति पैदा होती है। अगर घर की पूर्व दिशा बंद है तो आपके जीवन में अवरोध पैदा होता है, इसीलिए घर के पूर्व भागों में खुला, प्रकाशमय और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे वहाँ हवा आना जाना हर समय होता रहे। इसीलिए घर के पूर्व भाग को खुला, प्रकाशमय और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि वहाँ हवा आना जाना हर समय शुरू रहे। अगर पूर्व दिशा में दरवाजे या खिड़कियाँ हो तो सौर ऊर्जा अंदर आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा औषधि गुण होते हैं। इस सौर ऊर्जा का लाभ लेने के लिए अपने घर या ऑफिस के दीवारों में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे बनाना चाहिए। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें, मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। पूर्व के दीवारों पर हल्का रंग करवाना चाहिए, या फिर पूर्व के खिड़कियों और दरवाजे में हल्के रंग के पर्दे लगाना चाहिए। घर के पूर्व दिशा में स्टेयरकेस या बाथरूम का होना बहुत अशुभ माना जाता है, ये ज़्यादा समस्याओं को जन्म दे सकता है। पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनाने से हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है। पूर्व दिशा में स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए, इससे परिवार के समृद्धि और तरक्की के रास्ते में कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। घर के पूर्व दिशा में खुला आंगन होना बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में पूजा घर बहुत शुभ माना जाता है। अगर बच्चों का कमरा पूर्व दिशा में है तो उससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, ये उनके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। पूर्व की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व भाग का फर्श अगर नीचा हो तो वो बहुत शुभदायक माना जाता है, क्योंकि इससे परिवार में संपन्नता एवं खुशहाली आती है। घर में काम करते वक्त या फिर टेलीविज़न देखते वक्त अगर चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो तो वह भी वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपके पूर्व दिशा में किचन, बाथरूम या स्टेयरकेस है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व दिशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर पूर्व दिशा में आपको जल से भरा हुआ कलश हमेशा रखना चाहिए,
इससे आपके पूर्व दिशा में जो भी वास्तु दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पूर्व दिशा के महत्व के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और आगे के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।